हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू बिरला इंटरनेशनल स्कूल वर्कशीट वर्कशॉप टुडे वी आर डिस्कसिंग वर्कशीट नंबर टेन ऑफ क्लास फर्स्ट कंप्यूटर साइंस लेट्स स्टार्ट विद द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिस कंप्लीट वर्कशीट इज अबाउट स्टार्टिंग एंड शटडाउन द कंप्यूटर द फर्स्ट क्वेश्चन वायरल स्विचिंग ऑन द कंप्यूटर द फर्स्ट स्टेप इज टू कंप्यूटर को चालू करते समय सबसे पहला स्टेप क्या होगा फर्स्ट ऑप्शन है रिमूव कवर्स सेकंड है स्विच ऑन मेन्स थर्ड है स्विच ऑन सीपीयू, फोर्थ है नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर है रिमूव कवर्स कंप्यूटर को चालू करने से पहले उसके कवर्स जो भी हैं वो हटाने होंगे तो हम ए के ऊपर टिक मार्क करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हावर ग्लास पॉइंटर डिनोट्स दैट द कंप्यूटर इज हावर ग्लास पॉइंटर जो होता है वो क्या बताता है कंप्यूटर रेडी है कंप्यूटर बिज़ी है या ऑल ऑफ दिस या नन ऑफ दिस इसका आंसर है बिजी हॉलर ग्लास ये बताता है आवर ग्लास के कंप्यूटर बिजी है तो हम बी को टिक मार्क करेंगे आफ्टर डैश वी शुड कवर द कंप्यूटर वैन वी स्विच इट ऑफ कंप्यूटर को बंद करने के बाद उसका कवर कितनी देर के बाद लगाना चाहिए ये पूछ रहा हमको वन से टू डेज एक से दो दिन के बाद या दो घंटे के बाद तीसरा ऑप्शन दस से पंद्रह मिनट के बाद या फिर पंद्रह से बीस मिनट के बाद इसका करेक्ट आंसर है पंद्रह से बीस मिनट के बाद डी टिक मार्क करेंगे क्योंकि कंप्यूटर जब हम चलाते हैं तो वो गर्म होता है अगर हम तुरंत ही उसका कवर बंद कर देंगे तो जो हीट है वो बाहर निकल नहीं पाएगी इसलिए कंप्यूटर को बंद करने के पंद्रह बीस मिनट बाद ही उसको कवर करना चाहिए फोर्थ क्वेश्चन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी आर देयर कंप्यूटर में कुल कितनी मेमोरी होती है वन टू या थ्री या फोर आंसर है टू दो तरीके होती है प्राइमरी और सेकेंडरी फिफ्थ क्वेश्चन द कंप्यूटर टेक्स ऑन सम टाइम आफ्टर द मॉनिटर इज स्विचड ऑन इट इज़ कॉल्ड मॉनिटर को चालू करने के बाद कंप्यूटर की जो मेन स्क्रीन होती है उसको आने में थोड़ा समय लगता है इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बूटिंग अप शट डाउन स्टार्ट या नन ऑफ दिस का करेक्ट आंसर है बूटिंग अप कंप्यूटर के चालू होने से लेकर मेन स्क्रीन आने तक का जो समय है वो बूटिंग अप कहलाता है बूटिंग अप को टिक कर दिया हमने चलते हैं राइट एंड द रोंग स्टेटमेंट्स की तरफ फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं द फर्स्ट स्टेप टू स्टार्ट कंप्यूटर इज़ टू स्विच ऑन द मेन सॉकेट सबसे पहला स्टेप जो है कंप्यूटर चालू करने का वो है मेन सॉकेट के पावर प्लग को ऑन करना फॉल्स फर्स्ट स्टेप है कंप्यूटर पे यदि कोई कवर है तो उसे हटाना इसलिए हम इसे रॉन्ग करेंगे आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में व्हेन द कंप्यूटर इस टर्न ऑफ सीपीयू ऑटोमेटिकली गेट स्टर्न ऑफ जब कंप्यूटर बंद हो जाता है तो सीपीयू भी अपने आप ही बंद हो जाता है ट्रू ये सही है हम टिक करेंगे कंप्यूटर का सी अपने आप ही बंद होता है वर्कशीट के आगे के हिस्से में चलते हैं हमारे वर्कशीट का अगला ऐसा आ गया है एरो पॉइंटर डिनोट्स कंप्यूटर इज़ बिजी थर्ड क्वेश्चन ये कह रहा है कि एरो पॉइंटर ये बताता है कि कंप्यूटर बिजी है फॉल्स इसका आंसर ये फॉल्स है हावर ग्लास ये बताता है कि कंप्यूटर बिजी है इसलिए हम यहाँ पर रॉन्ग मैंशन करेंगे फोर्थ क्वेश्चन विंडो साइन इन कैन बी सीन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड बटन बॉटम ऑफ द मॉनिटर विंडोज का साइन इन ऑप्शन जो है वो मॉनिटर के लेफ्ट हैंड साइड में आता है ट्रू टिक करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन लास्ट एंड फाइनल आफ्टर फिनिशिंग वर्क कंप्यूटर शुड बी स्विचड ऑफ प्रॉपरली वर्क कंप्लीट होने के बाद हमें कंप्यूटर को सही ढंग से बंद करना चाहिए टिक करेंगे ये भी राइट right है चलते हैं अब आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन की तरफ फर्स्ट क्वेश्चन है वट इज बूटिंग अप बूटिंग अप होता क्या है बूटिंग अप का मतलब होता है कंप्यूटर के के पावर को ऑन करने के बाद मेन स्क्रीन आने के बीच का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को बूटिंग अप कहते हैं जिसमें कंप्यूटर पूर्ण रूप से चालू हो जाता है और यूज़र के कमांड लेने की कैपेसिटी पर पहुंच जाता है तो हम इसका आंसर लिखते हैं द प्रोसेस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैं लिख रहा हूँ द प्रोसेस बिटवीन पावर ऑन ऑफ द कंप्यूटर एंड डिस्प्ले ऑफ स्क्रीन इज कॉल्ड बुटिंग अप मेरा आंसर है द प्रोसेस बिटवीन पावर ऑन ऑफ द कंप्यूटर एंड डिस्प्ले ऑफ मेन स्क्रीन इज कॉल्ड बुटिंग अप पी आर ओ सी ई डबल एस प्रोसेस बी ई टी डब्लू डबल ई एन बिट्वीन और डी आई एस पी एल ए वाई डिस्प्ले एम ए आई एन मेन और एस सी आर डबल E एन स्क्रीन एंड बी डबल ओ टी आई एन जी बूटिंग क्वेश्चन का आंसर ये है कि कंप्यूटर के चालू होने से मेन स्क्रीन आने तक के बीच का जो प्रोसेस होता है उसे बूटिंग अप कहते हैं चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर राइट द स्टेप्स टू स्विच ऑन द कंप्यूटर हमें कंप्यूटर के ऑन करने के स्टेप्स लिखने तो पहला स्टेप तो यही होगा कि आप कंप्यूटर के ऊपर जो कवर है उसको हटाइए दूसरा है मेन पावर बटन को प्रेस कीजिए जो प्लग आपने लगा रखा है कंप्यूटर का उसके बाद यू ऑन कीजिए फिर मॉनिटर ऑन कीजिए और लास्ट में सी का बटन प्रेस कीजिए तो कंप्यूटर चालू हो जाएगा तो हम लिखते हैं सेकंड क्वेश्चन को स्टेप्स के रूप में फर्स्ट स्टेप ए नाम दोहरा हूँ मैं इसको रिमूव कवर्स ऑफ कंप्यूटर सेकेंड स्टेप स्विच ऑन मेन सॉकेट बटन एस ओ सी के ई टी सॉकेट की स्पेलिंग है Third, switch on SWI TCS, switch on the UPS, fourth, switch on the monitor, and last and final. प्रेस the power button of CPU. सबसे पहले हम कंप्यूटर के कवर हटाएंगे उसके बाद मेन सॉकेट को ऑन करेंगे यूपीएस ऑन करेंगे मॉनिटर ऑन करेंगे और लास्ट में सी का पावर बटन दबाएंगे और जैसे ही उसको दबाएंगे कंप्यूटर चालू हो जाएगा बूटिंग अप का प्रोसेस स्टार्ट होगा और जैसे ही बूटिंग अप कंप्लीट होगा कंप्यूटर की मेन स्क्रीन मॉनिटर पर हमें दिखने लग जाएगी थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं व्हाट शेप दस द माउस पॉइंटर टेक आफ्टर बुटिंग जो माउस का पॉइंटर स्क्रीन पर हमें दिखता है वो कंप्यूटर की बुटिंग होने के बाद कौन सा शेप लेता है दो शेप होते हैं एक तो होता है एरो पॉइंटर और एक होता है हावर ग्लास पॉइंटर तो हम थर्ड का आंसर लिख देते हैं एरो ए डबल आर ओ डब्ल्यू एरो पी ओ आई एन टी ई आर एरो पॉइंटर कॉमा लगाएंगे एच ओ यू आर हावर जी एल ए डबल एस हावर क्लास और पी ओ आई एन टी ई आर पॉइंटर ये हमारी पूरी वर्कशीट थी जिसमें कुछ क्वेश्चन आंसर्स मल्टीपल चॉइस और ट्रूफ आर स्टेटमेंट थे थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग